हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हम लोग देखे थे क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे हम लोग। स्ट्रेट लाइन में वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन देख चुके थे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का वेरियस फॉर्म्स क्या होता है, तो उसको हम लोग आज रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ फॉर्म्स होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे थे यहाँ पर। वेरियस फॉर्म्स में फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग देखे थे वो था क्वाइट स्लोप फॉर्म, क्वाइट स्लोप फॉर्म। तो क्वाइट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम लोग को एक लाइन का इक्वेशन निकालना रहेगा, फाइंड करना रहेगा, वो लाइन किसी गिवन पॉइंट से पास करेगा वो पॉइंट नोन रहेगा और उस लाइन का स्लोप भी पता रहेगा। तो हम लोग उस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। मान लेते हैं कोई लाइन एक्स वन और वाई वन लाइन से पास करता है और इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं क्या है, एम। एम जी हम लोग बताए थे कि स्लोप को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तब इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाइंट स्लोप फॉर्म। क्वाइंट स्लोप फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट हम लोग को पता है और उस लाइन का स्लोप भी पता है, इसलिए इस फॉर्म को बोला जाता है क्वाइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पे पॉइंट का यूज हो रहा है और एक स्लोप का यूज हो रहा है। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पर किस फॉर्म में क्या होगा, यदि किसी लाइन का स्लोप पता है और उस लाइन का इंटरसेप्ट पता है। इंटरसेप्ट कौन सा इंटरसेप्ट, हम बताए थे इंटरसेप्ट दो तरह का होता है, एक बाई इंटरसेप्ट और एक एक्स इंटरसेप्ट। तो लाइन बाई एक्सिस को कितना कितना डिस्टेंस पर कट कर रहा है ओरिजिन से वो कहलाता है बाई इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस पर कट कर रहा है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट। तो इस फॉर्म में जो इंटरसेप्ट रहता है ये कौन सा इंटरसेप्ट होता है, बाई इंटरसेप्ट। तो ऐसे फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर एम क्या है, स्लोप उस लाइन का, इस लाइन को हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, और सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट उस लाइन का, वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर वो ऑरिजिन से कितना ऊपर या कितना नीचे इंटरसेप्ट कर रहा है। थर्ड नेक्स्ट फॉर्म बताए थे टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होता है कि यदि कोई लाइन किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है तब जो तब उस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे वो जिस फॉर्म का यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्म कहलाता है, टू पॉइंट फॉर्म। तो मान लेते हैं अगर कोई लाइन है वो दो पॉइंट एक्स वन वाई वन और दूसरा पॉइंट क्या है एक्स टू वाई टू, इस दोनों से अगर पास कर रहा है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसा होता है वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टू पॉइंट फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है वो टू पॉइंट से पास कर रहा है, तब हम लोग उस लाइन का इक्वेशन इस तरीके से निकालेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट और भी जो फॉर्म होता है वो एक बताए थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, यहाँ पर हम देख चुके हैं, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, टू पॉइंट फॉर्म। एक होता है क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, यदि किसी लाइन का हमको एक्स इंटरसेप्ट भी पता है और वाई इंटरसेप्ट भी पता है तब उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। वो कहलाता है क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर किसी लाइन का दोनों इंटरसेप्ट पता है, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी, तब हम लोग उस लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म के हेल्प से डिटरमाइन करेंगे, निकालेंगे। ये कौन सा इक्वेशन कैसा होता है, तो ये होता है एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इज इक्वल टू वन। यहाँ पर ए क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और बी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। मतलब अगर कोई लाइन इस तरह से है, ये मान लेते हैं ये कितना है, फोर जीरो है, एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, फोर डिस्टेंस पर, यहाँ से वन टू थ्री और ये फोर है, और मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस को यहाँ से कितना है ऊपर कट कर रहा है, ये मान लेते हैं ये छः है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो और सिक्स, इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट इस एक्सिस पर है वाई एक्सिस पर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हुआ ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट, इसी को हम लोग ये लिख रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट, मतलब ये बी यहाँ ये इसका वैल्यू यहाँ पर कितना है फोर, ये डिस्टेंस फोर है और ये डिस्टेंस कितना है सिक्स, ये सिक्स है। तो हम लोग अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, सिंपली एक्स वाई ए, एक्स वाई ए, ए मीन्स ये डिस्टेंस फोर प्लस वाई वाई, यहाँ पर क्या है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कितना है सिक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे सिक्स इज इक्वल टू वन, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन हो गया। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे लेकर के सॉल्व भी कर सकते हैं, वो अदर बात है, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं, और भी एक दो फॉर्म होता है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म
एक नॉर्मल फॉर्म होता है, उस फॉर्म को देखते हैं कि इसमें कैसे किस तरह से क्वेश्चन रहेगा और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म फोर और ये फाइव नंबर नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इसमें क्या होता है कि अगर किसी लाइन का हम लोग को इक्वेशन फाइंड करना है और उस लाइन पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर जो ड्रा किए हैं उस परपेंडिकुलर का लेंथ पता है और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल अगर पता है तब हम लोग उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो जिस फॉर्म का यूज करते हो उस कंडीशन में लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर देखते हैं कैसा होता है। मान लेते हैं इस लाइन का हम लोग को इक्वेशन फाइंड करना है, ये लाइन क्या है, ये भी है और इस लाइन पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर का लेंथ मान लेते हैं कितना है, स्मॉल पी है और ये परपेंडिकुलर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तब इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, लाइन का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू वन इक्वल टू पी। ये पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे है। तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू थ्री। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पी जो है वो ऑरिजिन से उस लाइन पर परपेंडिकुलर का लेंथ है और अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल अल्फा है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट एक फॉर्म जो होता है ना, जनरल फॉर्म उसको हम लोग बोलते हैं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म किसको बोला जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में देखे थे कि इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन होगा जहाँ पर ए बी सी क्या है, ये कांस्टेंट है और ए और बी का वैल्यू साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों एक ही बार जीरो हो जाएगा तो फिर ये इक्वेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल रहेगा। अगर बी जीरो हो जाएगा तो ये टोटल टर्म जीरो और जब एक्स ये ए जीरो करेंगे तो ये भी टोटल टर्म जीरो। तो किसी भी इक्वेशन में जब वेरिएबल नहीं रहेगा तो वो इक्वेशन कहलाएगा ही, इसीलिए यहाँ पर दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। ये है हमारा क्या, जनरल। अब देखते हैं जनरल फॉर्म का इक्वेशन जो है, फॉर्म जनरल फॉर्म में अगर किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसका हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जनरल फॉर्म पर थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं कैसे अगर किसी लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका स्लोप कैसे डिटरमाइन करेंगे और फिर क्या एक्स इंटरसेप्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे, वाई इंटरसेप्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे। मान लेते हैं किसी लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ऐसा लिखा हुआ। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन में, इस लाइन का स्लोप बताएं और इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, ये बताना है। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जो इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है वाई इंटरसेप्ट का मतलब वो ऑरिजिन से बाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, ये डिस्टेंस हम लोग को बताना है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट करने का मतलब वो लाइन ऑरिजिन से एक्स एक्सिस को कितना डिस्टेंस पर कट कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो हम लोग लाइन का इक्वेशन में एक्स का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो अगर हम लोग को वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम लोग इस इक्वेशन में लाइन का जो इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। और अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोला जा रहा है तो लाइन का जो इक्वेशन रहेगा वहाँ पर हम लोग वाई में वाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। इसलिए जीरो पुट करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो देखते हैं अगर यहाँ पर पूछा जाएगा एक्स इंटरसेप्ट फाइंड, एक्स इंटरसेप्ट कैसा लिखा होगा, एक्स इंटरसेप्ट। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम लोग वाई का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, जीरो। वाई इज इक्वल टू जीरो, इसी इक्वेशन में वाई इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। देखते हैं कितना होता है, एक्स प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और उसके बाद अगर यहाँ से हम एक्स निकालते हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा, हमारा निकल के आता है क्या, सी वाई ए। यही क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट। मतलब अगर कोई लाइन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, माइनस सी बाई ए। अगर वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए पूछा जाएगा, सॉरी हाँ, वाई इंटरसेप्ट अगर निकालने के लिए बोला जाएगा
तो हम लोग x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, क्योंकि y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर यहां पर हम y इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तब देखते हैं क्या होता है, पॉइंट y इंटरसेप्ट, इस केस में हम क्या 0 कर देंगे, x का वैल्यू 0 कर देंगे, हम पुटिंग x = 0। तो अब यहां पर हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ये 0 हो चुका है और ये क्या रहेगा y, यहां से हम क्या करना है y का वैल्यू फाइंड कर देखते हैं y का वैल्यू कितना है, a into 0 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 plus b into y plus c is equal to 0, this implies that y is equal to minus c by b। तो यहां पर देखिए कि y इंटरसेप्ट इस लाइन का कितना है, minus c by b, और x इंटरसेप्ट इसका कितना आया था, x इंटरसेप्ट जो आया था वो आया था minus c by a। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उस लाइन का इक्वेशन से हम लोग x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे और y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट, अब अगर कोई बोलता है कि लाइन का स्लोप कितना होगा ये बताओ, तो उसको देखते हैं कैसे स्लोप निकालेंगे। अगर जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि ये y = mx + c, ऐसा इक्वेशन एक हम पढ़ चुके हैं, इस ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, यहां पर m क्या है स्लोप है और c क्या है y इंटरसेप्ट है, देयरफॉर दिस फॉर्म इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर इस जनरल फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर लें, कन्वर्ट कर लें, तब x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, स्लोप हो जाएगा इस लाइन का, और प्लस के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म बचेगा वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में पहले क्या करते हैं, चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां पर y क्या है अकेले, तो हम लोग को y फ्री करना पड़ेगा इस इक्वेशन से, बाकी जितना भी टर्म है सारा टर्म को राइट साइड ले जाना, तो देखते हैं क्या होता है। बी वाई अगर हम लोग लिखते हैं तो ये ए एक्स इधर प्लस है, राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए एक्स, सी भी यहाँ पर प्लस में है राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, हमारे पास क्या हो गया बी वाई सिर्फ इधर। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिर्फ वाई है, तो हम लोग वाई को यहाँ पर क्या करेंगे फ्री करेंगे, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, और यहाँ पर क्या है इनको मल्टीप्लाई है राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, नीचे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा बी लिख सकते हैं, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग सेपरेट करते हैं अलग अलग टर्म के साथ ही देते हैं, तो माइनस ए वाई बी इंटू एक्स और माइनस क्या हो जाएगा सी वाई बी ऐसा। अब ये इस फॉर्म में, अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करवाते हैं तो हम देखते हैं कि y y सही है, एम एक्स एम की जगह पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या आया हुआ है माइनस ए वाई बी एक्स, और c की जगह पर क्या देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ये प्लस और माइनस अंदर कर देंगे ब्रैकेट तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, पहले कोई फर्क नहीं यहाँ पर पड़ रहा है, जैसा पहले था वैसे अभी भी है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि c की जगह पर इस तरह से यहाँ पर कितना है माइनस सी वाई बी, इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप जो है वो कितना आ गया, स्लोप की जगह स्लोप क्या होता है m होता है, और m की जगह पर यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस ए वाई बी, मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा m उसका वैल्यू कितना आ चुका है माइनस ए वाई बी, और इसी लाइन का y इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर c क्या आ रहा है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया माइनस सी वाई बी इंटरसेप्ट, इसके पहले भी हम लोग देख चुके थे कि y इंटरसेप्ट कितना आया था माइनस सी वाई बी आया था इक्वल टू माइनस सी वाई बी, और अगर x इंटरसेप्ट बोलेगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे a कर देंगे। नेक्स्ट, इस वाला आप देखते हैं अगर दो लाइन का इक्वेशन में गिवन है दिया होता है, मान लेते हैं दो लाइन कौन सा है a1x एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है a2x टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कंडीशन क्या होगा, कोएफिशिएंट के बीच में क्या कंडीशन होगा अगर पैरेलल है दोनों लाइन तब। तो हम लोग जान चुके हैं कि जनरल फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ रहता है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं और इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं y इंटरसेप्ट। तो पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट लाइन जो हमारा है फर्स्ट लाइन, और ये मान लेते हैं कि सेकेंड लाइन है, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप जो है उसको मान लेते हैं हम लोग m1 से डिनोट करते हैं, तो m1 अभी हम क्या लाए थे स्लोप जो हमारा आया था वो कितना था कंपेयर कर रहे थे यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेते हैं एक बार ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हमारा जो वाई आया था वो आया था माइनस ए वाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी वाई बी, ऐसा आया था, यानी कि स्लोप जो होता है वो क्या होता है माइनस ए वाई बी। अभी मैं ऐसा देख सकते जस्ट पहले तो एक जगह पर यहाँ पर कितना है ए वन है और बी की जगह पर यहाँ पर कितना है बी वन है, तो हम लोग इस लाइन का जो स्लोप होगा उसको ए वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ए वन बाई बी वन, ये कहाँ है ये इस फॉर्मूला से अगर देख चुके हैं जस्ट, तो इसका स्लोप ये हो चुका है
नेक्स्ट, अगर इस लाइन का स्लोप निकाला जाए सेकेंड लाइन का, उसको हम मान लेते हैं M2 से डिपेंडेंट करते हैं, तो M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो भी सिमिलरली इस तरह से होगा माइनस ए टू बाई बी टू, माइनस ए टू बाई क्या हो जाएगा बी टू एस। नेक्स्ट, फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, क्योंकि हम इसके पहले देख चुके हैं, मान लेते हैं ये दो लाइन है इस तरह से, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा, जितना एंगल ये बनेगा थीटा उतना एंगल ये भी बनेगा थीटा, और जब ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका जो टैन वैल्यू आएगा, मतलब इसका जो स्लोप आएगा उसका स्लोप इतना भी नहीं, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ वो जो ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है उसका टैन वैल्यू क्या कहलाता है स्लोप। तो ये थीटा दोनों सेम है तो दोनों का टैन वैल्यू भी क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, और जब दोनों का टैन वैल्यू सेम आ गया इसका मतलब इस दोनों लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहले भी डिस्कशन कर चुके थे कि अगर कोई लाइन दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा बराबर होता है। इसके पहले जस्ट हम देख चुके थे टैन थीटा ऐसा एक फार्मूला देखे तो टैन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू बाई वन प्लस एम वन इन टू एम टू, और यहाँ पर हम बताए थे कि लाइन में जो भी पैरेलल इफ एम वन इज इक्वल टू एम टू, ऐसा हम लोग पहले देख चुके थे, और लाइन में जो भी परपेंडिकुलर इफ एम वन एम टू एम टू इक्वल टू माइनस वन, ये कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर एम वन और एम टू को बराबर होना पड़ेगा, अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों लाइन इफ दी लाइन्स आर पैरेलल, दी लाइन्स आर पैरेलल देन तब क्या होगा एम वन शुड बी इक्वल टू एम, यानी कि ये दोनों स्लोप आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं एम वन का वैल्यू क्या करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए वन बाई वी वन, माइनस ए वन बाई वी वन इज इक्वल टू माइनस ए टू बाई वी टू, माइनस माइनस हम बता भी सकते कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या आ गया ए वन बाई वी वन इज इक्वल टू ए टू बाई वी टू, इसको हम लोग ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट इस ए टू को नीचे ला सकते हैं और इस वी वन को ऊपर ले जा सकते हैं क्रॉस कर लिया है, तो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू, ये क्या कंडीशन है पैरेलल होने की, ये दोनों लाइन पैरेलल तभी हुआ जब इस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, जस्ट अगर ये कंडीशन याद है तो हम लोग सिर्फ लाइन का इक्वेशन देख करके बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं इस कंडीशन से, देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा लाइन है 2x plus 3y plus 6 is equal to 0 और नेक्स्ट जो है वो ये है 4x plus 6y minus 12 is equal to 0, ऐसा कुछ या यहाँ पर क्या कर देते हैं माइनस 7 कर देते हैं ऐसा। अब हमसे अगर पूछेगा कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम लोग सिंपली ये कंडीशन लगा देंगे, देखते हैं कि a1 by a2 और b1 by b2 का वैल्यू सेम है या नहीं, देखते हैं यहाँ पर a1 हमारा कितना है, a1 का वैल्यू ये x का कोएफिशिएंट फर्स्ट लाइन ये है तो ये a1 का लाएगा, और ये सेकंड लाइन है इसका x का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा a2 का लाएगा, मतलब यहाँ a1 का वैल्यू कितना है 2 और इसी लाइन में b1 का वैल्यू कितना होता है 3, b1 किसको बोलते हैं y का कोएफिशिएंट जो होता है दैट इज b1, तो यहाँ पर y के साथ कितना है 3 है, यानी कि b1 का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, और a2 क्या होता है सेकंड लाइन का x कोएफिशिएंट, तो सेकंड लाइन कौन सा है ये है और इसका x का कोएफिशिएंट कितना है a2 है दैट मींस ये सॉरी यहाँ पर देखें तो ये 4 है तो 4, उसी तरह से b2 क्या होता है सेकंड लाइन का y का कोएफिशिएंट, तो सेकंड लाइन ये है और इसका y का कोएफिशिएंट कितना है 6, यहाँ पर क्या लिख दिया 6। अब चेक कर लेते हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, देखते हैं होता नहीं, तो ए वन बाई ए टू पहले फाइंड करते हैं, ए वन बाई ए टू इक्वल टू टू वाई फोर, टू वाई फोर ये कितना आ रहा है 1 बाई टू, नेक्स्ट बी वन बाई बी टू फाइंड करते हैं बी वन बाई बी टू तो 3 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 1 बाई टू, हम देख रहे हैं कि 1 बाई टू ए वन बाई ए टू भी आया है और 1 बाई टू भी आ गया बी वन बाई बी टू भी आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, सिंपली देख कर बता सकते हैं कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगर परपेंडिकुलर करने के लिए बोला जा रहा है तो क्या होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर किस केस में होगा ये देखते हैं, तो इसका स्लोप कितना आया था मान लेते हैं m1 इज इक्वल टू ए होता है माइनस a1 बाई b1 और यहाँ पर m2 सेकंड लाइन का स्लोप कितना है, ये सेकंड लाइन है और इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस a2 बाई b2, ये सेकंड लाइन है स्लोप। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर, लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर इफ
यदि m1 into m2 = -1, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो दोनों लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं m1 का और m2 का। m1 का वैल्यू कितना है, -a1 by b1 और इनटू m2 का वैल्यू कितना है, -a2 by b1 इक्वल टू ये कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a1 a2 by b1 into b2 = -1। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -b1 into b2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, a1 a2 = -1 into b1 b2, क्या बन जाएगा ये, -b1 into b2। अब अगर इधर माइनस में है तो लेफ्ट साइड मिलाएंगे उस टर्म को तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a1 into a2, और ये माइनस फैलाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कर दिए, b1 into b2 = इधर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं मतलब 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या है, दो लाइन को परपेंडिकुलर होने का। तो यानी कि हम लोग बता सकते हैं कि दो लाइन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बोल सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन
ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इज, ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स कोऑर्डिनेट में से क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर हम लोग चार इंपॉर्टेंट और इक्वेशन देख चुके हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, अगर कोई इनसे पूछता है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट वाई एक्सिस का इक्वेशन, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट कौन सा वैल्यू है, तो एक्स एक्सिस जितना ऊपर वो है या फिर जितना नीचे पैरेलल है, तो कुछ डिस्टेंस पर होगा पैरेलल, तो वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, मान लेते हैं ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, या तो राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड में हो सकता है वाई के पैरेलल, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स बना हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा कोऑर्डिनेट का रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो हम लोग लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस तरह से अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे और भी हम देखेंगे कि कैसे कंसेप्ट को क्वेश्चन में यूज करते हैं, और जितना ये फॉर्मूला तक देख चुके हैं सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टोटल पर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उस सारा का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या हम लोग को फाइंड करना है। तो फाइंड द एंगल, मतलब हम लोग क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास क्या दिया हुआ है, वन पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, मतलब दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 7 एंड 2y माइनस x इज इक्वल टू 5। तो दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल बनेगा, उस एंगल को फाइंड करना है। तो इसके पहले जस्ट हम लोग देख चुके हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं दो लाइन के बीच अगर एंगल थीटा है, तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है एम वन माइनस एम टू वाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू, और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग को जनरली एंगल निकालने का मतलब क्या होता है, दो लाइन के बीच में स्मॉलर एंगल जो है उसको फाइंड करना है। जैसे अगर यहाँ पर कोई लाइन है इस तरह से ऐसा ये, तो यहाँ पर दो तरह का एंगल बन रहा है, एक एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा वन मान लेते हैं ये है, और ये क्या है थीटा। तो जो एक्यूट एंगल है दैट मीन्स जिस एंगल का वैल्यू छोटा है, स्मॉलर एंगल फाइंड करना रहता है अगर हम लोग को बोला गया है एंगल फाइंड करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। अगर मॉड हटाएंगे तो ये दो तरह का एंगल आएगा, एक एक्यूट और एक क्या ऑब्ट्यूट। मॉड हटाएंगे तो हम लोग प्लस माइनस रखेंगे, यूज करेंगे प्लस का मतलब छोटा वाला एंगल स्मॉलर एंगल, और माइनस का मतलब क्या ये बड़ा वाला एंगल। तो हम लोग स्मॉलर एंगल यहाँ पे निकालेंगे, इस फॉर्मूला में निकालेंगे। तो अगर m1 m2 ये दोनों पता लग गया तो हम लोग एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। m1 m2 क्या होता है, इसके पहले हम बता चुके हैं कि दोनों लाइन का स्लोप होगा, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप कहलाएगा m1 और सेकंड लाइन का स्लोप क्या कहलाएगा, ये होगा m2 होगा। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना है, m1 और m2 देखते हैं। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन कितना है, 3x माइनस y इक्वल टू 7। यहाँ पर इस इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म का इक्वेशन है। जनरल फॉर्म में हम लोग देख चुके हैं क्या कि एक एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जनरल फॉर्म में हम जानते हैं कि इक्वल टू के राइट साइड में क्या होता है, जीरो होता है। तो सबसे पहले सेवन को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, थ्री एक्स माइनस वाई, ये प्लस सेवन है तो राइट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम कंपेयर करवाएंगे यहाँ से, तो ए का वैल्यू कितना हो रहा है, थ्री हो रहा है, और b का वैल्यू क्या हो रहा है, b मतलब y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस इस तरह से कर सकते हैं, इसको ऐसे और लेटर में ऐसे लिख सकते हैं ये 3x, और इस माइनस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस करके यहाँ पर माइनस वन इंटू y ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही रह जाएगा, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ये सेवन इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सेवन इज इक्वल टू। इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट उसी तरह से सेकंड लाइन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या है, माइनस ये टू बाई माइनस एक्स, और प्लस उधर क्या है, राइट साइड में प्लस फाइव है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। फिर क्या हो जाएगा, माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देख रहे हैं, फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो।
या फिर क्या है पहले एक्स वाला टर्म लिखा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे पहले एक्स वाला टर्म को लिख लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस एक्स को माइनस वन इंटू एक्स, फिर क्या है प्लस टू वाई, ये प्लस में ऑलरेडी है तो हम इसको क्या लिखेंगे प्लस में टू वाई लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होता है जनरल इक्वेशन में जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म में यहाँ पर क्या रहता है प्लस में रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करके ऐसा लिख सकते हैं ये माइनस फाइव, क्योंकि प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस आएगा। ऐसा हम लोग सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि हम लोग इस जनरल फॉर्म से इस इक्वेशन को कंपेयर करवा सकें। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम का इक्वेशन है और ये क्या है सेकेंड टाइम का इक्वेशन है। तो अगर फर्स्ट टाइम को हम लोग जनरल फॉर्म से कंपेयर करवाएंगे तो हम देखते हैं कि ए का वैल्यू वहाँ पर कितना आ रहा है, ए मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है थ्री है, यानी कि अगर इस लाइन के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ए वन का वैल्यू कितना आ रहा है थ्री आ रहा है, थ्री है। इसी तरह से बी वन, बी वन मीन्स फर्स्ट लाइन का बाई कोएफिशिएंट, तो फर्स्ट लाइन ये है और इसका बाई का कोएफिशिएंट कितना है माइनस वन, तो यहाँ पर बी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा बी वन इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है बाई के साथ। और सी सी वन यहाँ पर हम लोग क्यों बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर दो लाइन है, तो एक सी वन का लगा एक सी टू का लगा, सी वन मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है माइनस सेवन, क्योंकि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस सेवन, तो सी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा सी वन इज इक्वल टू माइनस सेवन। लेकिन सी वन से हम लोग यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग को एम वन और एम टू फाइंड करना है बस। और हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका जो स्लोप होता है इसके पहले जस्ट पहले हम लोग देख चुके हैं ये कितना होता है माइनस ए बाई बी, तो कहीं भी कॉन्स्टेंट टर्म का यूज यहाँ पे नहीं आता, इसलिए हम लोग सी का वैल्यू अगर नहीं भी निकालेंगे क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सी वन हटा देते हैं, सी वन से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे सिर्फ ए वन और बी वन का वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड लाइन से हम लोग क्या करेंगे ए टू और बी टू का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए टू क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट, तो ए टू यहाँ पर कितना है माइनस वन है, और बी टू कितना है बी टू मीन्स वाई का कोएफिशिएंट, तो वाई का कोएफिशिएंट कितना है ये टू है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे टू लिखेंगे। अब ए वन और बी वन हम लोग को पता लग चुका है, ए टू बी टू पता लग चुका है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं स्लोप निकाल सकते हैं दोनों लाइन का, ये फर्स्ट लाइन का भी स्लोप और सेकेंड लाइन का भी स्लोप हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा उसको हम लोग मान लेते हैं एम वन से डिनोट करते हैं, देयरफॉर लिखेंगे एम वन इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं स्लोप कितना होता है माइनस ए बाई बी, तो ए का वैल्यू हमें कितना है थ्री है, माइनस लगा दिए पहले फॉर्मूला में लगा हुआ है, फिर ए का वैल्यू कितना है थ्री है बाई डी वन, डी वन इसलिए क्योंकि हमें दो लाइन है, बी वन का वैल्यू हमें कितना है माइनस वन, अभी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा थ्री बाई वन मीन्स थ्री। इसी तरह से सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा एम टू वो कितना हो जाएगा, तो वो भी कितना होगा माइनस ए टू बाई बी टू, ए टू का वैल्यू कितना है माइनस वन, तो माइनस देखिए और ए टू का वैल्यू पहले से ही माइनस में, और बी टू का वैल्यू कितना है ये टू है, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन बाई टू। अब एम वन और एम टू हम लोग को दोनों चीज़ पता लग चुका है, तो इस फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा टाइम वैल्यू निकलेगा थ्री थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स का यूज करेंगे, तो वहाँ से एंगल हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फाइंड द एंगल, मतलब थीटा निकालना है, टेन थीटा नहीं निकालना है, हम लोग को थीटा निकालना है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूले का यूज, इस फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं देखते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन, एम वन का वैल्यू कितना आ चुका है थ्री, थ्री माइनस एम टू, एम टू कितना है हाफ माइनस ये वन बाई टू है ठीक है डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू, एम वन कितना हमारा थ्री है इंटू एम टू कितना है वन बाई टू, तो वन बाई टू यानी कि मॉड कर, फिर ये थ्री माइनस वन बाई टू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, तो कितना आ जाएगा ये फाइव बाई टू और डिवाइड बाई नीचे यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे हम लोग कितना बन जाएगा ये टू आएगा, ये वन रहेगा और वन इंटू टू ये टू बनेगा और टू प्लस थ्री कितना होता है फाइव, ठीक है तो ये कितना आ जाएगा फाइव बाई टू ऐसा आएगा, क्योंकि ये कितना आएगा सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव बाई टू फाइव बाई टू हो चुका है और नीचे थ्री बाई टू और प्लस क्या वन, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम टू हो जाएगा और टू यहाँ पे जाएगा टू प्लस थ्री फाइव फाइव बाई टू, देख रहे हैं फाइव बाई टू हमारा ऊपर में भी है और नीचे भी, तो दोनों क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है, तो ये कितना आ जाएगा वन प्लस वन, फिर यहाँ से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन, फिर टेन कितना का वैल्यू वन होता है हम लोग जानते हैं 45 डिग्री पर टेन का वैल्यू कितना होता है वन होता है, देयरफॉर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि हम लोग को एंगल निकालने के लिए बोला गया दोनों लाइन के बीच में, दोनों लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं ये
ये हम लोग देख चुके हैं। अगर लाइव एक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया हुआ है तो वहाँ से कोएफिशिएंट पहचानना भी सीखे, स्लोप निकालना भी सीखे, और फिर इस क्वेश्चन में एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा था तो हम लोग एंगल भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पर टैन वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। क्वेश्चन लिख देते हैं, पहले क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल, ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस आर ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, एंड बी माइनस ए, ऐसा क्वेश्चन ये। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी एंड बी माइनस ऐसा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं पहले, फिर हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स टेन थीटा का वैल्यू भी निकालना है, अभी एंगल नहीं फाइंड करना है। ऑफ द एंगल, किससे इसका टेन वैल्यू निकालना है, तो जो एंगल इस दोनों लाइन के बीच में बनता है उसी एंगल का टेन वैल्यू फाइंड करना है। तो एंगल पहले हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, एंगल करने का मतलब क्या, एम1 एम2 हो गया, स्लोप स्लोप पता लगेगा तो एम1 एम2 निकाल सकते हैं, ये सॉरी एंगल निकाल सकते हैं, टेन वैल्यू निकाल सकते हैं। और बिटवीन द लाइन्स हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर, जिस लाइन का इंटरसेप्ट एक्सिस पर दिया हुआ है ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट माइनस बी है, सेकेंड लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना है बी है और वाई इंटरसेप्ट कितना है माइनस ए, यानी कि कुछ ऐसा है। देख लेते हैं फर्स्ट लाइन जो है इस तरह से, उसका एक्स इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव है ये, और वाई इंटरसेप्ट कैसा है माइनस बी, तो कुछ ऐसा होगा ये। मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है बी, ये बी कैसा है नेगेटिव है माइनस है, इसीलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे ये ऑरिजिन के नीचे लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लाइन जो है वो क्या है बी और माइनस है, उसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है बी है, यानी कि जितना ये है वो क्या होगा हमारा बी वाई एक्स एक्सिस पर होगा, और जो वैल्यू ये है वो क्या होगा वाई एक्सिस पर होगा, लेकिन वाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इंटरसेप्ट माइनस है, माइनस ए करने का मतलब क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी कि नीचे आ रहा पड़ेगा, तो कुछ लाइन हमारा क्या होगा ऐसा होगा। अब इस दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बना इसी एंगल का टाइम वैल्यू हम लोग क्या करना है फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं टाइम वैल्यू फाइंड करने का मतलब हम उनसे ये पूछा जा रहा है टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू हम क्या जानते हैं m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू क्या m। तो अगर किसी तरह से हम लोग m1 m2 फाइंड कर लें, यानी कि इस दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर लें, स्लोप फाइंड कर लें और स्लोप का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा उस लाइन के बीच का टेन का वैल्यू निकल सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप कैसे पता लगाएंगे, स्लोप पता लगाने के लिए हम लोग को इक्वेशन लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लाइन का एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन का भी और सेकेंड लाइन का। तो पहले हम लोग दोनों लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन किस फॉर्म से फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखते हैं यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म टाइप कर रहे हैं क्योंकि दोनों का क्या दिया हुआ है इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, हम जानते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इज इक्वल टू वन। यहाँ पर ए क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और बी क्या है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस,
तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए ही है और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है माइनस बी है। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई ए, ए का वैल्यू ए ही है एक्स इंटरसेप्ट और प्लस वाई वाई बी, वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है माइनस बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस बी इक्वल टू क्या वन ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स वाई ए माइनस वाई वाई बी इक्वल टू वन, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं इधर देखते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी और ये बी क्या हो जाएगा एक्स के पास और ये ए के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई के साथ और ये ए बी लास्ट में क्या इससे मल्टीप्लाई होगा वन से वन इक्वेशन। देखते हैं क्या बनेगा ये इक्वेशन जो हमारा बनेगा सॉल्व होने के बाद वो कुछ ऐसा बनेगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू क्या ए बी ऐसा बनेगा। फिर अगर इसको हम लोग कंपेयर करवाते हैं ये इस फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से तो पहले हम लोग को इसको फ्री करना पड़ेगा माइनस ए वाई इज इक्वल इधर प्लस में है राइट साइड में लाइन क्या बनेगा माइनस में माइनस बी एक्स और प्लस क्या ए बी ऐसा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस ए को हटा तो इधर जाकर तो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा देयरफॉर वाई इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस यहाँ भी है और इसके नीचे भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बी वाई ए इंटू क्या एक्स और यहाँ पर प्लस है और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा और ए बी के नीचे जब ए लिखेंगे तो ए ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा बी बचेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग इस फॉर्म से कंपेयर करवाएं वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस सी से यहाँ पर एक्स का जो कोएफिशिएंट है ये स्लोप का लगता है तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है बी वाई ए मतलब कि फर्स्ट लाइन का यानी इस लाइन का स्लोप कितना है बी वाई ए तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एम वन इज इक्वल टू बी वाई ए ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं सेकेंड लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे और सेकेंड लाइन का इक्वेशन से फिर क्या करेंगे एम टू का वैल्यू फाइंड करेंगे और एम वन एम टू जब एक बार कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है एम वन माइनस एम टू वाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं सेकेंड लाइन के लिए इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन मतलब ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना ठीक है तो वो देख लेते हैं। तो इक्वेशन का फॉर्म तो यही है इंटरसेप्ट फॉर एक्स वाई ए यहाँ पर देखते हैं ये ए क्या रहता है एक्स इंटरसेप्ट इस लाइन का कितना है बी है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बी लिखेंगे और प्लस वाई वाई ए बी क्या है वाई इंटरसेप्ट तो वाई इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को देखते हैं ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा नहीं पर माइनस नहीं क्योंकि ये माइनस पहले यहाँ पर उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ए एक्स माइनस बी वाई ये बी इसमें मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा ए बी ऐसा आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे वाई को फिर फ्री करेंगे तो कैसा आएगा माइनस बी वाई इज इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं हम देखते हैं क्या होगा तो ये एक्स प्लस में है राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस क्या ए कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस बी से हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है तो वाई इज इक्वल टू ये माइनस बी इधर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बाई बी आ जाएगा तो ए बाई बी इंटू एक्स और ये प्लस के नीचे प्लस है और यहाँ से माइनस बी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस ए बी बाई बी तो बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या ए तो क्या हो जाएगा वहाँ पर माइनस ए। यहाँ पर अगर हम लोग इसी फॉर्म से कंपेयर करवाएं इस फॉर्म से वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से तो हम लोग देखते हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट एम मतलब स्लोप यहाँ पर कितना है यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है ए बाई बी मीन्स इस लाइन का स्लोप कितना है ए बाई बी और ये कौन सा लाइन था सेकेंड लाइन था तो सेकेंड लाइन का स्लोप को हम लोग एम टू से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो एम टू का वैल्यू कितना आ रहा है ए बाई बी आ रहा है। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या फाइंड द टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं दोनों लाइन के बीच का तो देखते हैं देयरफॉर टेन थीटा यहाँ पर थीटा क्या बन रहा है इस दोनों लाइन के बीच का एंगल ठीक है तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा एम वन माइनस एम टू वाई वन प्लस एम वन इंटू क्या एम बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एम वन का वैल्यू कितना है वहाँ पर देख रहे हैं बी वाई यहाँ पर बी वाई ए पुट करेंगे माइनस तो माइनस भी है एम टू कितना है एम टू है ए वाई बी तो यहाँ पर भी हम वैल्यू रखेंगे ए वाई बी डिवाइड बाई वन प्लस
m1 कितना है dy है इनटू m2 का वैल्यू कितना है ay है तो यहां पर हम क्या रख देंगे ay b और यहां पर नोट लगा देंगे फिर इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ab एलसीएम आएगा और ये b से मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर बनेगा a इससे मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab तो क्या बनेगा हमारा ऐसा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab और ये बाई का आंसर है ये है यहां पर a * b तो ab और ab यहां पर जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऐसे में भी और ab 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ab और प्लस ab तो ऊपर में ab प्लस ab 2ab हो जाएगा 2ab और डिवाइडेड बाय ab इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इधर देख लेते हैं तो ये है हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab ab ऐसा और अगर इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर क्या ab बाय 2a ab से भी क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है यानी कि हमारा जो tan थीटा है वो कितना चुका है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2a अगर स्मॉलर एंगल को कंसीडर करेंगे तो यहां पर हम क्या लगा देंगे मॉड लगा देंगे स्मॉलर एंगल मींस ये छोटा वाला एंगल अगर बड़ा वाला एंगल को कंसीडर करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा माइनस तो हम लोग स्मॉलर एंगल को कंसीडर करके चलते हैं तो ये हमारा एक फाइंड वैल्यू फाइंड करना था टेंजेंट ऑफ द एंगल एंगल का टेंजेंट ये कितना हो चुका है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 यही कैलकुलेट करना है हम लोग क्या कर देंगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में फिलहाल इस लेक्चर को हम लोग यहां पे क्या करते हैं स्टॉप करते हैं